आयुष मकर की मदर। हाँ जी। कब से पढ़ रहा है आयुष इस स्कूल में? आयुष स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, नर्सरी से। स्टार्टिंग से पढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर मैम नेक्स्ट ईयर सीनियरिंग भी हो रहा है हमारा जी, तो आयुष वहाँ पे हो रहा है एडमिशन उसका? यस यस, व्हाई नॉट। एक्चुअली में सर को हमने ही, मैंने और आयुष कुमार जो कि उसका फ्रेंड है, हमको ये था कि सिक्स्थ और सेवन्थ तक तो चलो हो गया, बस उठ के उसके बाद सर किस स्कूल में एडमिशन कराएंगे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा उसके बारे में। तो सर ने प्रॉमिस किया था कि कोई बात नहीं, प्लस टू तक आपके बच्चों को हम इस स्कूल में रखेंगे, आप टेंशन ना लें। तो उसके बाद जैसे सर की सीनियर विंग वहाँ पे प्रिपेयर वगैरह हुई है। तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, जैसे वो सारी स्कूल्स में होते हैं, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप अपने आयुष मक्कर को इसी स्कूल में कंटिन्यू रखवाना चाह रहे हैं? वैसे एक्चुअल में आयुष का स्टार्टिंग से वैसे बहुत ही हाइपर एक्टिव कह सकते हैं। okay. जैसे ही वो टू इयर्स कंप्लीट हुए तो मुझे लगा, मैंने कहा इसको स्कूल में डालना है मुझे, चाहे किसी में भी डाल दो आप लोग। तो जब टू एंड हाफ का हुआ तो सेंट कबीर में भी गए हम लोग। तो सेंट कबीर में जैसे कि थ्री इयर्स का लेते हैं, तो घर आके बोले, इसके फादर बोले कि चलो थ्री ईयर में इसको सेंट कबीर में डाल देंगे। मैंने कहा मुझे तो किसको स्कूल में ही डालना है, चाहे किसी में डाल दो। तो मेरे फादर इन लॉ ने सारे विजिट किए, तो बोले एक बार ही डालना है थोड़े टाइम के लिए, तो वैन में धक्के खाने से अच्छा घर के जस्ट बिल्कुल नियर है तो इसमें ही डाल दो, विजडम में ही डाल दो। तो मैंने डलवाया तो एक्चुअल में बस वन ईयर के लिए था, बट इसकी परफॉर्मेंस एकेडमिक प्लस में स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव है ये, तो सब में ही इनका इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और अब जबकि ये फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, मेरा खुद का सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसका ग्रामर का मतलब कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं, शायद मेरे भी नहीं है इतने, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और एकेडमिक में। और बाकी इसका एक्स्ट्रा रीडिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। साइंस सब्जेक्ट इनका शुरू नहीं हुआ है, बट इसका साइंस में इंटरेस्ट है। घर पे मैंने इसको बुक्स वगैरह ला के दे रखी है, तो प्लैनेट्स है और है जो भी अर्थ है इनके बारे में ये सर्च करता रहता है, फ़ोन पर भी देखता है। वैसे सर कहते हैं कि फ़ोन नहीं लेना, बट फ़ोन के कुछ मतलब जरूर नहीं है कि बैड, हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव भी होते हैं, तो पॉजिटिवली भी इन चीज़ों को सर्च कर करके और देखता है, मुझे भी बताता है, तो आई एम सेटिस्फाइड। टेक्नोलॉजी है तो वी शुड यूज इट, बट पॉजिटिव वे। ओके, तो टेक्नोलॉजी से मुझे याद आया कि इनके लिए होता है नो टीवी डे, दैट इज ऑन थर्सडे, क्या वो प्रॉपर्ली फॉलो होता है या फिर कुछ? हाँ, वैसे मोस्टली तो फॉलो होता है, बट रियली कभी कभी होता है कि मतलब इनको कुछ देखना होता है कि मम्मा वो मूवी आ रही है, तो इतना स्ट्रिक्टली भी हमें वैसे तो चलो फॉलो करनी चाहिए कि बच्चों को हैबिट हो जाती है रूल फॉलो करने की, बट मैं इतना प्रेशर नहीं करती कि नहीं आज नो टीवी डे। तो वो क्या करते हैं, जैसे अगर थर्सडे को कुछ देखा ना तो फ्राइडे को ऑफ रखेंगे, मम्मा आज नहीं कल कर लेंगे आज के। हाँ जी, हाँ, ये हम घर में सारे ही नहीं देखते हैं फिर उस दिन कि आज नहीं किया तो फिर चलो कल नेक्स्ट डे हम ऑफ करेंगे। एक चीज़ मेरी और भी पेरेंट्स से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि इंडिपेंडेंसी है, फ्रीडम है, बच्चा खुद से होमवर्क करता है। yes, तो yes. आयुष मकर फॉलो, आयुष मकर में भी है, बट उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे छोटे बेटे में है। okay. वो हालांकि फर्स्ट ग्रेड में, और जब से मतलब स्टार्टिंग में से ही उसका खुद ही होमवर्क करता है वो, कहीं हमें मतलब इमरजेंसी में कहीं जाना भी पड़ गया तो वहाँ पे भी रहता है, मम्मा मेरा होमवर्क मम्मा। हालांकि स्कूल में कोई प्रेशर नहीं है कि भाई नहीं किया तो पनिशमेंट है या कुछ ऐसा है, बट उसमें कुछ ज़्यादा है। और आयुष की ना होने का रीज़न मुझे लगता है कि मैं हूँ, मुझे लगता है कि ये वाली है बेटा, क्योंकि उसके पीछे मैं शुरू से एक्चुअल में पता तो होता नहीं, स्टार्टिंग में फर्स्ट बेबी था तो मैं उसके पीछे लगी रहती थी, होमवर्क करो होमवर्क करो होमवर्क करो, तो जैसे कि आज डिस्कस भी हुआ है तो ये शायद उस वजह से हो गया है। तो बट अब मैं जैसे फिफ्थ ग्रेड में स्टार्टिंग हुई है ना, तब से ही मैं उसमें ये कर रही हूँ कि उसको इंडिपेंडेंट, और वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हुआ भी है इस ईयर से। तो आज की मदर वर्कशॉप से आपने क्या लर्न किया है? यही एक्चुअल में इसी चीज़ से ही मेरे को है काफ़ी थोड़ा सा रहता है कि बिना कहे नहीं करता है, तो यही कि मैं डिसीजन ही लिया, स्ट्रॉन्ग वाला लिया है कि मैं नहीं बोलूँगी। अब जब बड़ा हो गया तो मैं उसको बोलती हूँ, बेटा देखो आरव खुद करता है और आप नहीं करते। कहता है मम्मा आपको A1 चाहिए, मतलब ये, और मैं A1 आता है, मुझे सब कुछ आता है, आप टेंशन बहुत लेते हो मेरे लिए, मतलब वो मुझे समझाता है उल्टा। तो आज से ये कि मैं नहीं बोलूँगी, वो खुद करेगा जो भी करेगी। इस मदर वर्कशॉप में मैंने स्ट्रॉन्ग वाला डिसीजन लिया है। और अपार्ट फ्रॉम जैसे एकेडमिक्स है तो रीडिंग है? हाँ जी, रीडिंग की तो हैबिट ये हर ईयर हमेशा 100 प्लस बुक्स पढ़ता है। okay. जैसे कि सर ने रखा हुआ है कि जो 100 प्लस करेगा तो डिनर ये हर बारी करता है। इस ईयर इसने नहीं इंटरेस्ट लिया, क्योंकि ये कहता कि मम्मा वही बुक्स हैं लाइब्रेरी में, मतलब जो मैं लास्ट ईयर ज़्यादा पढ़ने से हो जाता, कि इसलिए उसको मैंने फोर्स भी नहीं किया कि भी नहीं 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 करो ये, तो इस ईयर थोड़ा इसने नहीं किया। हाँ, स्कूल हाँ हाँ, और वैसे भी इसका घर पे मैंने इसको काफ़ी बुक्स ला के दे रखी, तो रीडिंग हैबिट तो इसमें काफ़ी है। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू।